हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सब? और हमारे कान्हा जी कैसे हैं? कान्हा जी का प्रिय महीना शुरू हो गया है, सावन शुरू हो गया है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सावन में कैसे करें कान्हा जी की पूजा, क्या अलग करें जिससे कान्हा जी प्रसन्न हो जाएं और वो खुशी आप भी अनुभव कर सकें। लेकिन 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 तनिक रुकिए तो सही। नए मेहमानों को जो हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें बता तो दें कि कान्हा जी की आगे की वीडियो को अपलोड होते ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। दबा दिया तो अब आप सब मेहमान नहीं रहे, हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी परिवार का हिस्सा बन गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो सावन मास की भी और कान्हा जी का रिश्तेदार बनने की भी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सावन का महीना जो कि हिंदू पंचांग का पांचवा महीना है, इसे वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं। इसमें बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि आदि सावन के महीने में मनाए जाते हैं। सावन में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित लड़कियां उत्तम जीवन साथी की कामना के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय है। इस महीने में भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। सावन का महीना जितना भोलेनाथ को प्रिय है, उससे कहीं अधिक हमारे कान्हा जी को प्रिय है। आप तो जानते ही हैं, कान्हा जी तो हैं ही नटखट और मौज मस्ती के बिना तो उनका मन लगता ही नहीं। और सावन का ये महीना मौज मस्ती करने के लिए एकदम उपयुक्त है। घनी घनी घटाएं छाई रहती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ों की डालों पर झूले पड़ जाते हैं और झूला झूला तो कान्हा जी को अत्यंत प्रिय है। इस विषय में कान्हा जी की एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन होता है। सावन का महीना था, एक दिन कान्हा जी के मन में राधा जी संग झूला झूलने की इच्छा हुई। उन्होंने सखियों से कहा। सखियों ने सोचा कितना सुंदर दृश्य होगा जब कान्हा जी राधा रानी संग झूला झूलेंगे, और उन्होंने तुरंत ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। कान्हा जी बोले, दो झूले डालना, एक कदंब की डाल पर और दूसरा उसके पास ही तमाल के पेड़ पर। कदंब के पेड़ पर जो झूला डलेगा उस पर राधा रानी झूलेंगी, और तमाल के पेड़ पर जो झूला डलेगा उस पर मैं झूलूंगा, और फिर हम एक प्रतियोगिता रखेंगे और देखेंगे जीत किसकी हुई। ललिता जी जो कि राधा जी की मुख्य सखी थी, वो बोली, आप तो रहने ही दीजिए, हमारी राधा रानी ही जीतेंगी। कान्हा जी बोले, ऐसा कैसे? ललिता जी बोली, देख लीजिएगा। अब क्या था, झूलन लीला शुरू हो गई। राधा जी ने झूला झूलना शुरू ही किया था कि उनका झूला हवा से बातें करने लगा, उनका नीलांबर भी उनके साथ लहराने लगा। राधा जी के गले में जो स्वर्ण हार थे, मोती हार थे, हीरों के हार थे, मुक्ता हार थे, सब राधा जी के साथ ही लहराने लगे। राधा जी के कुंडल लहराने लगे, पैरों में नूपुर नृत्य करने लगे। ऐसा लगने लगा मानो कोई सरगम बज रही है। एक बड़ा ही अद्भुत सा दृश्य बन गया। और उधर कान्हा जी को देखो, कान्हा जी बहुत ही धीमा धीमा झूलने लगे। चार कदम आगे जाते, चार कदम तक पीछे जाते। सखिया बोली, कन्हैया जी आप तो हार जाएंगे, थोड़ा तेज झूलिए। कान्हा जी बोले, मैं हारूंगा जरूर, पर सबसे अधिक आनंद मुझे ही मिलेगा। सखिया बोली, वो कैसे? कान्हा जी बोले, मैं प्रिया जी के साथ साथ ही झूल रहा हूँ, उनके नीलांबर के साथ झूल रहा हूँ, गले के हारों के साथ झूल रहा हूँ, वेनी और कुंडल के साथ साथ मैं ही झूल रहा हूँ। जब राधा रानी का झूला ऊंचे तक जाता है और राधा जी मुस्कुराती हैं, तो उनकी मुस्कुराहट के साथ साथ मैं झूल रहा हूँ, नुपुर की ध्वनि के साथ झूल रहा हूँ। खैर, प्रतियोगिता खत्म हो गई और जीत हार के फैसले की बारी आई। ललिता जी बोली, देखा कन्हैया जी, आप हार ही गए। कन्हैया जी मुस्कुरा के बोले, राधा प्यारी से तो मैं हमेशा ही हारना चाहता हूँ, उनकी जीत में मेरी जीत है। जीतने पर जब राधा रानी आनंद पाती हैं, तो मुझे महा आनंद मिलता है, और यही मेरी असली जीत है। तब से लेकर हर साल कान्हा जी की झूलन लीला का आयोजन किया जाता है। तो अब ऐसे में कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या है?
अपने कान्हा जी को स्नान कराइए, सुंदर से वस्त्र धारण कराइए, सुंदर श्रृंगार कीजिए, उनके होठों से बांसुरी का स्पर्श कराइए और बस अपने घर के आंगन में कान्हा जी के लिए चूल्हे की व्यवस्था कर दीजिए। और देर किस बात की, नंदलाल को चूल्हा जुलाइए, झूले के गीत गाइए और हो सके तो अपने मित्रों के, आसपास के लोगों के, रिश्तेदारों के कान्हा जी को, राधा रानी को अपने घर झूला झूलने के लिए आमंत्रित करिए और फिर देखिए कान्हा जी के चेहरे की चमक कुछ अलग ही दिखाई देगी। और क्या कहा आपने, आपको झूले के गीत नहीं आते? डोंट वरी, मैं हूं ना। देखिए मुझे पता है मैं बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन कान्हा जी के लिए झूले का गीत तो मैं आपको बता ही दूंगी। सावन का महीना, घटाएं घन घोर, आज कदम्ब की डाली झूले राधा नंद किशोर। सावन का महीना, घटाएं घन घोर, आज कदम्ब की डाली झूले राधा नंद किशोर। प्रेम हिंडोले बैठे बांके बिहारी, झूला झूलाए सारी ब्रज की नारी। जोड़ी लागे प्यारी जैसे चंदा और चकोर, आज कदम्ब की डाली झूले राधा नंद किशोर। सावन का महीना, घटाए घन घोर, आज कदम्ब की डाली झूले राधा नंद किशोर। ठंडी फुहार पड़े तन को लुभाए, गीत गाए सखिया और शाम मुस्कुराए। बांसुरिया बजाए राधा के मन के चोर, आज कदम्ब की डाली झूले राधा नंद किशोर। सावन का महीना, घटाए घन घोर, आज कदम्ब की डाली झूले राधा नंद किशोर। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।